रूम नंबर 555। ये क्लासरूम में पिछले एक हफ्ते में 3 बच्चे गायब हो गए थे। पूरे स्कूल में डर का माहौल था, सारे बच्चे डरे हुए थे। जब से पप्पू को पता चला है कि स्कूल के बच्चे गायब हो रहे हैं, तब से पप्पू ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। बहुत दिनों के बाद पप्पू के पापा पप्पू को स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं। बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, तुम तो बहुत बहादुर हो। पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना, यहाँ पर भूत रहता है। लेकिन पप्पू के पापा उसकी एक भी नहीं सुनते और उसको स्कूल के अंदर भेज देते हैं। पप्पू डरते डरते क्लास के अंदर चला जाता है। क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पप्पू, आज तेरी बारी है, आज तो भूत तुझे पक्का उठा ले जाएगा। इतना सुनते ही पप्पू पूरी तरह से कांपने लगता है। लेकिन तभी गुड्डू कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा पप्पू, ये लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। इसके बाद पप्पू गुड्डू की बेंच पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो जाती है और सारे बच्चे क्लास के बाहर चले जाते हैं। लेकिन पप्पू अपनी बेंच पर बैठकर ही लंच करने लगता है। तभी अचानक क्लास के अंदर एक भूतिया आवाज आने लगती है। पप्पू एकदम डर जाता है और उसकी पैंट गीली हो जाती है। कौन है, कौन है? अचानक क्लास के ब्लैकबोर्ड से एक भूत बाहर आता है और अपने लंबे लंबे हाथों से पप्पू को हवा में लटका देता है। पप्पू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। उसी समय क्लास के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। अरे, ये आवाज तो रूम नंबर 555 से आ रही है। सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर रूम नंबर 555 में आ जाता है। लेकिन तब तक वो भूत पप्पू को लेकर जा चुका था। पप्पू का लंच बॉक्स नीचे पड़ा हुआ था और ब्लैकबोर्ड के नीचे बहुत सारा खून भी पड़ा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत सीटी बजाता है और सारे लोग रूम नंबर 555 की तरफ भागने लगते हैं। गुड्डू और उसके सारे दोस्त भी अपनी क्लास में आ जाते हैं। क्या हुआ अंकल? मैंने अभी यहाँ किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनी, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ कोई नहीं था। अरे, क्लास में तो पप्पू था। इसके बाद सारे बच्चे और स्कूल का स्टाफ मिलकर पप्पू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पप्पू पूरे स्कूल में कहीं भी नहीं था। गुड्डू को यकीन हो जाता है कि जरूर उसकी क्लास यानी कि रूम नंबर 555 में भूत रहता है। गुड्डू सिक्योरिटी गार्ड का फोन लेके तुरंत यश द कोच सेंटर को कॉल कर देता है। उस समय यश स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था और उसने अभी अभी कोचिस्तान में नया स्विमिंग पूल बनवाया था। केक और रिसीव करने के लिए यश स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है। लगता है आज किसी को दिन में भूत दिख गया है। यश कॉल रिसीव करता है तो सामने से गुड्डू की आवाज आती है। सर, मेरे स्कूल में रूम नंबर 555 से 4 बच्चे गायब हो चुके हैं, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। अरे यार, 4 बच्चे गायब हो चुके हैं और तुम मुझे इतनी देर बाद बता रहे हो? सॉरी सर, आप जल्दी से आ जाइए, अभी अभी पप्पू गायब हो गया है और क्लास के अंदर बहुत सारा खून भी पड़ा हुआ है। बस समझो, मैं यूं आया। यश तुरंत अपने कपड़े पहनता है और अपनी गन लेकर निकल पड़ता है। यश हवा में पूरी स्पीड में बाइक चलाता है। तुम नंबर 555 केस तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। फाइनली यश गुड्डू के स्कूल में पहुंच जाता है। गुड्डू यश के पास आता है। गुड्डू, मुझे जल्दी से रूम नंबर 555 में लेके चलो। गुड्डू और यश रूम नंबर 555 में पहुंच जाते हैं। सारे बच्चे भी पीछे पीछे वहां आ जाते हैं। गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। यश की घड़ी भी अलार्म नहीं बजा रही थी, इसका मतलब रूम नंबर 555 में भूत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारा खून भी पड़ा हुआ है। यश पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी लेता है, लेकिन कहीं पर भी भूत नहीं था। लेकिन तभी यश की नजर बोर्ड पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि बोर्ड के अंदर कुछ गड़बड़ है। अरे यार, ये तो बोर्ड पे भी खून के छींटे पड़े हुए हैं। यश खून के छींटों को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये खून नहीं बल्कि टोमेटो सॉस है। अरे यार, ये तो पप्पू का खून नहीं बल्कि टोमेटो सॉस है। सर, पप्पू को टोमेटो सॉस बहुत पसंद था, ये टोमेटो सॉस भी उसी का होगा। इसका मतलब जब पप्पू गायब हुआ तब वो टोमेटो सॉस खा रहा था। यश अपनी घड़ी का एक बटन दबाता है और उसकी घड़ी से नीले रंग की लाइट निकलने लगती है। यश उस लाइट से बोर्ड को देखने लगता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बोर्ड के अंदर एक बहुत बड़ी भूतों की दुनिया दिख रही थी। कहीं ये भूत यूनिवर्स तो नहीं? लगता है बच्चों को भूत यूनिवर्स में लेके गए हैं। मुझे बोर्ड के अंदर जाना होगा। यश अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहा था। अब क्या करूं, यश ये सोचने लगता है। तभी यश को याद आता है कि किट्टू की मदद से बोर्ड के अंदर जाया जा सकता है। यश को किट्टू ने 2 स्टोन्स दिए थे। यश तुरंत अपनी जेब से वो 2 स्टोन्स निकालता है और दोनों पत्थरों को आपस में रगड़ता है तो उससे धुआं निकलने लगता है। ये देखकर सारे बच्चे ताली बजाने लगते हैं। हो गया सत्यानाश, लगता है बच्चों को मैं कोई खेल तमाशा वाला लग रहा हूँ। तभी अचानक धुएं के बीच से किट्टू प्रकट हो जाती है। बताओ यश, कैसे याद किया? तब यश किट्टू को सारी कहानी बताता है। ये तो गोस्ट यूनिवर्स है, गोस्ट की काली दुनिया, मैं वहां नहीं जा सकती, तुम्हें अकेले जाना होगा यश। लेकिन ध्यान रहे, वहां क्या है क्या होगा इसका किसी को नहीं पता है।
किट्टू अपना जादू करती है और यश को बोट के अंदर पहुंचा देती है। अंदर की दुनिया का नजारा देख यश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यश चारों तरफ देखता है तो वहां बड़े बड़े कांटे वाले पेड़ लगे हुए थे और बहुत ही डरावना नजारा था। पप्पू और उसके तीन साथी यहीं कहीं पर होंगे। यश आगे बढ़ने लगता है तब ये कांटा यश के पैर में लग जाता है। अरे यार, इसने तो खून निकाल दिया, लेकिन मेरा खून काला क्यों निकल रहा है? यश को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अभी बच्चों को बचाना ज्यादा जरूरी था। यश अपने पैर से कांटा निकालता है और आगे बढ़ने लगता है। यश को आगे एक लाल पानी का तालाब दिखता है। यश उस तालाब के पास जाता है तो उसमें यश की परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन परछाई में असली यश नहीं था बल्कि यश की भूतिया परछाई बन रही थी। अरे ये तो काफी इंटरेस्टिंग तालाब है, यहाँ से जाने में ही भलाई है, पता नहीं क्या हो जाए। तभी सामने यश को एक बच्चा दिखाई देता है जो पेड़ से बंधा हुआ था। यश उसकी रस्सी खोल देता है। फिर यश अपनी वॉच से किट्टू को सिग्नल देता है और वो बच्चा वहाँ से गायब होकर वापस रूम नंबर 555 में पहुंच जाता है। रूम नंबर 555 में पहले से गुड्डू और बाकी बच्चे खड़े हुए थे। राहुल को वापस देखकर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, लेकिन गुड्डू राहुल से कहता है, राहुल पप्पू और बाकी दो बच्चे कहाँ पर हैं? तब राहुल कहता है कि यश द कोस्ट हंटर तीनों बच्चों को बचाने गया है। यश कोस्ट यूनिवर्स में बाकी बच्चों को ढूंढ रहा था। यहाँ इतना काला और अंधेरा जैसे था कि यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी यश को बहुत सारे पेड़ दिखते हैं और सभी पेड़ में बच्चे बंधे हुए थे। ये क्या है, इतने सारे बच्चे इन पेड़ों से क्यों बंधे हुए हैं? कहाँ से आए हैं ये? उनमें से दो बच्चों को यश छुड़ाता है तो बच्चे बताते हैं कि वो रूम नंबर 555 के हैं। यश उनकी रस्सी खोल देता है और किट्टू को इशारा करता है। किट्टू उन्हें भी वापस रूम नंबर 555 में पहुंचा देता है। लेकिन तभी दो बड़े बड़े भूत वहां आ जाते हैं। पहला वाला भूत अपने मुंह से बहुत तेज हवा निकालने लगता है। हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा था इसलिए यश हवे में उड़ने लगता है। दूसरा वाला भूत अपने मुंह से बड़ी बड़ी चट्टाने फेंक रहा था। यश अपनी वॉच से तरंग निकालकर उस चट्टानों को तोड़ रहा था। अरे इनसे कैसे लड़ू, ये तो बहुत पावरफुल भूत है। यश फायर गोली निकालकर उन भूतों पर फेंकने लगता है। दोनों भूत डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर यश अपनी गन निकालकर उन भूतों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यश की गन इतना पावर जनरेट नहीं कर पा रही थी कि उन भूतों को पकड़ सके। अरे यार ये गोश्त तो बहुत पावरफुल लग रहे हैं। फिर यश धुआं वाली गोली निकालता है और वहां फेंक के वहां से भाग जाता है। यश को चारों तरफ पेड़ और पेड़ों में बंधे हुए बच्चे दिख रहे थे। इतने सारे बच्चे, इन्हें मैं कैसे बचाऊंगा? और सारे के सारे बच्चे होश में नहीं है, ये क्या चक्कर है? तभी एक बच्चा यश को होश में दिखता है। क्या तुम पप्पू हो? जी हाँ, मुझे यहाँ भूतों ने बांध दिया है। यश तुरंत किट्टू को सिग्नल देता है, लेकिन इस बार किट्टू सिर्फ पप्पू को नहीं बल्कि यश को भी रूम नंबर 555 में लेके आ जाता है। तुमने ये क्या किया? वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, मुझे उन्हें बचाना है। यश, ये दरवाजा बंद हो रहा था, अभी गोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा कहीं और चला गया है, किसी को नहीं पता कहाँ। यश अपनी तरंग छोड़ता है तो बोर्ड पे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ये क्या हो रहा है, ये डोर कहाँ चला गया? और अब वहाँ जो इतने सारे बच्चे हैं, उन्हें मैं कैसे बचाऊंगा? और वो बच्चे वहाँ किडनैप क्यों है? तुम वहाँ कुछ नहीं कर सकते यश, गोस्ट यूनिवर्स बहुत पावरफुल है, तुम्हें अपनी शक्तियों पर काम करना होगा। शक्ति? कैसी शक्ति, कहाँ मिलेंगी ये शक्ति? क्या यश अपनी शक्तियों का पता लगा पाएगा और क्या उन बच्चों को बचा पाएगा? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।